कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, कम आए, कम आए, फैसला आपको करना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। कब तक बैठे रहोगे यार, ऑप्शन क्या है? आज मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूं कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं, ना ही ये बताने आया हूं कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो क्या हो सकता है। ये डिस्कस करने आया हूं कि अब करना क्या है। इसी चीज को पकड़ के बैठे रहना है? कब तक पकड़ के बैठे रहोगे इस चीज को कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, कम आए, कम आए, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, फैसला आपको करना है। कब तक बैठे रहोगे यार, ऑप्शन क्या है? जिंदगी खत्म हो गई क्या आप लोगों की कि एक ही चीज को पकड़ के बैठे हुए हो कि मार्क्स कम आ गए, स्कूल ने ऐसा कर दिया, सीबीएसई ने ऐसा कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया। कैलिबर है आप में? हार्डवर्किंग है? इंटेलिजेंट है आप? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या मार्क्स आए हैं क्या नहीं आए हैं। आपको फैसला करना है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है या इस चीज को पकड़ के बैठे रहना है कि हमारे मार्क्स तो कम आ गए, स्कूल ने बहुत बुरा किया, हमें जस्टिस चाहिए, स्कूल के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं इस चीज को पकड़ के बैठने के लिए, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो ये नहीं सोचेगा कि अब जो हो गया हो गया। बेटा, इस चीज में ध्यान दो और खुद सोचो। आप सभी अप्रोक्सीमेटली 18 इयर्स के हैं, आपको सोचना पड़ेगा। टाइम नहीं है हमारे पास, क्या इस चीज को पकड़ के रहेंगे हम? आप खुद बताइए, अगर इस चीज को पकड़ के बैठे रहोगे कब तक बैठे रहोगे? डिप्रेशन में चले गए हो, क्या फायदा है उसका? रिजल्ट क्या आने वाला है? क्यों परेशान हो इतने? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मानता हूं गलत हुआ है आपके साथ, मानता हूं गलती की है लोगों ने, दूसरों की वजह से आपको झेलना पड़ रहा है, लेकिन आगे क्या करना है ये आपको देखना है। दूसरे नहीं डिसाइड करेंगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है बच्चे तो उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करने से रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे तो 10th या 12th में मार्क्स कम आए हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं, आप लोग देखेंगे कि जिनकी जिंदगी खत्म हो गई वो भी उठे आगे बढ़े। लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मीराबाई चानू का। लास्ट ईयर 2016 का जो ओलंपिक्स हुए थे रियो में, 3 में से 1 बार भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाई थी वो। डू नॉट क्वालिफाइड, डू नॉट कम्पीट लिखा हुआ आया था, 1 बार भी नहीं उठा पाई थी। घर आते ही डिप्रेशन में, घर वाले शादी करवा रहे थे लेकिन नहीं, उसने हार नहीं मानी। आपके तो लगभग 1 साल वो हुए हैं, उसने 4 साल मेहनत की है, 4 साल, और इस साल कह के गई थी मैं मेडल लेके आऊंगी। बहाना नहीं बनाया कि लास्ट ईयर क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जीती, आगे बढ़ी और पूरा देश कह रहा है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। छोड़ देते हैं ये भी एग्जांपल, ये तो छोटी सी बात है। चलो बहुत पहले 1938 में कैलरी नाम का एक शूटर हुआ करता था, आप लोग जाके सर्च करना नेट पे, उसके साथ, उससे बुरा किसी के साथ आज तक हुआ ही नहीं। हंगरी का था वो, और इंडियन, जैसे कि इंडियन आर्मी है वैसे ही हंगरी आर्मी है, हंगरियन आर्मी में था वो। ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था शूटिंग की, एक दिन ऐसी दुर्घटना हुई, उसका राइट हैंड चला गया, और राइट हैंड शूटर था वो। उसने मेहनत की, लेफ्ट हैंड से शूटिंग स्टार्ट किया और एक नहीं दो दो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। ये सब चीज आपको नेट पे मिल जाएगी। मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूं अपने बच्चों का जिनको मैं पढ़ाता हूं। 11th क्लास फेल, 20-25% मार्क्स, रीटेस्ट दिया 33% से पास हुए। क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए, 95 स्कोर किया। अब उनकी मर्जी थी, हम तो बैठ गए, कुछ करना ही नहीं है। फैसला बच्चे आपको करना है, फैसला आपको करना है कि हमें आगे बढ़ना है या हमें वहीं रह जाना है। ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि 12th में कुछ स्कोर नहीं किया, 40-45% पे रह गए, आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो बेटा, अगर वो लोग हार मान के बैठ गए होते कि हमारे 12th में कम मार्क्स आए, हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमें कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, नहीं, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। मैं आपके साथ हूं, जितना आगे जाएंगे आप, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है बेटा,
कोई भी टाइप की प्रॉब्लम मुझे मैसेज करे, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। जहां भी आप आगे जाएंगे, जहां भी दिक्कतें में हैं आप लोगों को, आप मुझे रिप्लाई करिए, मैं 100% आप लोगों को रिवर्ट बैक करूंगा। मैं हूं आप लोगों के साथ, लेकिन बढ़ना आपको है। जिंदगी से हार नहीं माननी। एक छोटे से फैसले से क्या आप लोग टूट जाएंगे? नहीं टूटना है हमें, मेहनत करते रहना है। एक बार मेहनत किया हमारे साथ गलत हुआ, दो बार किया, तीन बार किया, बेटा हर बार नहीं होगा, भगवान है, देख रहे हैं वो, मैं मानता हूं, मैंने बिल्कुल नोटिस किया इस बात को। कहने वाली बात है कि कोई कुछ नहीं होता, जो मेहनत करता है उनकी जीत निश्चित है। आज नहीं, कल नहीं, परसों 100% वो जीतेगा। आप मेरी बात मानिए, मुझ पर भरोसा करिए कुछ दिनों के लिए, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। मैं फिर बात कह रहा हूं, गलत हुआ है, लेकिन आज मैं इसका फैसला करने नहीं आया हूं कि गलती किसकी है, गलती क्या हुई है। आज मैं ये यहां से आप लोगों को बताने आया हूं, क्या बढ़ेंगे आप लोग आगे या नहीं, या सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। हमें आगे चलना है बच्चे, हमें मेहनत करनी है, हमें दिखाना है सबको कि जिन जिनको हम पे भरोसा नहीं था, उन उनको ये साबित करना है कि हम अच्छे हैं, आपसे गलती हुई है। चलिए जो हो गया हो गया, बड़ा बनना है हमको। छोटी सी बात में ये नहीं सोच के बैठ जाना कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, समझता हूं, लेकिन क्या जिंदगी खत्म हो गई? क्या सपने टूट गए? मान लेते हैं कि बहुत दिक्कत थी, आप बीमार थे। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैथमेटिक्स का पेपर, बेटा मैं बता रहा हूं, जो मेरा खुद का स्टूडेंट है, 2020 की बात कर रहा हूं, मैथ्स का पेपर, बच्चा आईसीयू में एडमिट है, और वो बच्चा ऐसा है जो 100% स्कोर करने वाला है। बहुत बच्चा डिप्रेस है, उनको जाके, मैं नहीं था उस टाइम पे उस बच्चे के साथ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसके पेरेंट ने यही कहा कि लो मैं आपकी बात कराता हूं सर से कि मैथ्स का पेपर पोस्टपोन हो गया है, एक बच्चा आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। पेरेंट्स ने बात करवाई है उसकी कि बेटा आपका मैथ्स का पेपर पोस्टपोन हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा जब आता है आईसीयू से बाहर, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास था कि सर पकड़ के बैठे रहे, क्या करे क्या ना करे, उसने मैथ्स का कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया और 98% मार्क्स लाए मैथ्स में। मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, जो मेरे खुद के स्टूडेंट है वो जानते हैं इस बात को कि चंदन सर ठीक कह रहे हैं। मेरे खुद के स्कूल का बच्चा है वो, मैथ्स का पेपर नहीं दिया था उसने। कोई बच्चा अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे मेल पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस बच्चे का दिखाऊंगा कि उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। उसके पास ऑप्शन था कि वो टूट जाती या उसको आगे बढ़ना था, उसने मेहनत की, आगे बढ़ी। बेटा छोड़ दो पुरानी बातें जो हो गई, आगे चलो, मेहनत करो और साबित करो कि आप कुछ कर सकते हैं। हमें वो है कैपेसिटी कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। एक छोटे से रुकावट से आप लोग डिप्रेस हो गए? नहीं, चलना है आगे, मेहनत करनी है। जिंदगी के हर पड़ाव में बेटा, कहीं भी हो आप, मैं आपके साथ हूं। एक बार आप आजमा के देखो, अगर मैं साथ नहीं दिया तो आप जो बोलना, कभी भी आप मुझे मैसेज करें, जैसे ही मैं मैसेज पढ़ूंगा मैं आप लोगों का पक्का रिप्लाई करूंगा। और हमें ये ठानना है, हमें ये करके दिखाना है, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि अगर कोशिश करेंगे तो जीत होती ही होती है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन बेटे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, आपको खुद उठना है और खुद कल से आपको ये बात करनी है कि जो हो गया हो गया, अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। ये सब चीजें करनी है आपको, माननी पड़ेगी। रोते रहने से कुछ नहीं मिलता, अपना हक छीनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा। और आप करेंगे, मैं जानता हूं आप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि करना है। कोई बच्चा कभी कुछ नहीं फर्क पड़ता, नंबर अगर कम आ गए तो, कुछ दिन की बात है, नहीं मिला डीयू में एडमिशन, क्या डीयू में जो एडमिशन लेता है भगवान हो जाता है क्या वो? नहीं मिला आईआईटी में एडमिशन, जो आईआईटी में नहीं जाता क्या कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में? बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन मुझे आप प्रॉमिस करेंगे, मुझे आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर, हमने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हम आगे बढ़ के दिखाएंगे आपको, कुछ करके दिखाएंगे आपको।
मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे, और आपको करना है, आपको साबित करना है। और बेटा उठें, आगे बढ़ें, बढ़ते चलें, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। थैंक यू, जय हिंद।